मेट्रो स्टेशन की तर्ज पर अब टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर भी रेल यात्रियों को ई बाइक की सुविधा प्राप्त होगी। नॉमिनल चार्ज पर यात्रियों को ई बाइक की सुविधा प्राप्त होगी। कहने का मतलब है, चंद घंटों के लिए अगर कोई यात्री टाटा नगर रेलवे स्टेशन आता है और दो चार घंटे काम करने के बाद उन्हें पुनः टाटा नगर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है तो दो चार घंटों के लिए उन्हें टाटा नगर रेलवे स्टेशन से ई बाइक की सुविधा प्राप्त होगी। इस सुविधा को पाकर यात्री शहर में बड़ी आसानी से अपने काम को निपटा सकते हैं। इस सुविधा में यात्रियों को पेट्रोल भराने की भी झंझट से मुक्ति मिलेगी। वहीं पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर ऑनलाइन DRM की उपस्थिति में सीनियर DCM ARM समेत रेल कर्मचारी इस उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से मौजूद थे, जहां चक्रधरपुर से टाटा नगर पहुंची महिला यात्री द्वारा फीता काटकर यात्रियों की ई बाइक सुविधा का शुभारंभ किया गया, जहां सीनियर DCM और ARM स्वयं ई बाइक चलाकर इस सुविधा का लुत्फ उठाते नजर आए। वही जानकारी देते हुए सीनियर DCM मनीष पाठक ने कहा कि इससे कम समय के लिए टाटा नगर पहुंचे यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। बैटरी से चलने वाली ई बाइक सुविधा की शुरुआत 10 बाइक से की जा रही है, आगे ज़रूरत पड़ने पर इसे और बढ़ाया जाएगा। वहीं उसने कहा कि सेकंड एंट्री गेट में बहुत जल्द बड़े वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट स्टेशन बनवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने यात्री सुविधा को ध्यान में रखकर काम करने वाले संस्थानों से आग्रह किया है कि वे आगे आकर टाटा नगर रेलवे स्टेशन के साथ मिलकर यात्री सुविधा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। जो सुविधा है, कितना हद तक यात्रियों को इससे लाभ मिलेगा और आगे क्या कुछ सर प्लानिंग है? सर देखिए, हम लोग पहले जो अपने ओला पार्किंग वगैरह के माध्यम से यहाँ यात्रियों को सुविधा देते हैं, साथ ही साथ हम लोगों का बहुत दिनों से प्रयास था कि कई सारे बड़े स्टेशनों पर, जो देश के बड़े स्टेशन हैं, वहाँ पर किराए पर ई बाइक्स की सुविधा उपलब्ध थी। और मैं काफ़ी दिनों से प्रयासरत था, जमशेदपुर एक हमारा सबसे बड़ा और रिनॉल्ड स्टेशन है और मुझे ये मेरी इच्छा थी कि यहाँ पर हम लोग इस सुविधा को किसी प्राइवेट पार्टनर के साथ हम लोग यहाँ पर प्रारंभ करें। इसी खोज में मिस्टर राहुल, जो जमशेदपुर ऑन व्हील के फाउंडर अध्यक्ष हैं, इन्होंने मुझे संपर्क किया और हम लोगों के पास एक न्यू इनिशिएटिव फॉर नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेशन नीन फ्रीज एक स्कीम है, उसके माध्यम से हम लोगों ने इनको संपर्क किया और इन्होंने एग्री किया कि हम यहाँ सर ये फैसिलिटी क्रिएट करेंगे। तो ये एक प्रयास है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हम लोग यहाँ जो हमारे रेल यात्री हैं उनको ये सुविधा समर्पित कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने ऑनलाइन सिस्टम से इसको आगे इनोग्रेट किया है। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे यात्री हैं इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। जो दो घंटे तीन घंटे की राइड सिटी के अंदर है, इसमें उनको कई बार छोटे जगहों पर अपने कन्वीनियंट के प्लेस पर जाना होता है या अपने साथ किसी एक आध आदमी को कैरी करना होता है, तो उसमें ये सुविधा बहुत काम की सुविधा साबित होगी। और मुझे लगता है रेट्स बहुत वाजिब हैं, चार्जिंग की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि इसका लाभ उठाएँ। ये एक पर्यावरण के लिए बहुत सही माध्यम भी है, इलेक्ट्रिक बाइक है। तो मुझे अभी भी बताया गया कि सिटी के अंदर काफ़ी तेज़ी से इलेक्ट्रिक बाइक्स बिक रही हैं, तो उसमें जो किराए के माध्यम से अगर कोई इस फैसिलिटी को यहाँ अवेल करना चाहता है, जैसे जब कोई चक्रधरपुर से आया है या राउर किला से आया है और शहर के अंदर इसको कुछ काम करना है, क्योंकि जनरली शॉपिंग और मार्केटिंग का काम आप जानते हैं, साक्षी के बाज़ारों में इसको लेकर घूमना कितना कन्वीनियंट होगा। अभी मैंने खुद इसको ड्राइव करके देखा है, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही बढ़िया से चलने वाली बाइक्स हैं। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं राहुल जी के लिए भी और शहर के मेरे जितने रेल यूजर्स हैं उनके लिए। अभी कितने बाइक से इसकी शुरुआत की गई है और आगे कितना और बढ़ाया जा सकता है? मुझे जैसा राहुल जी ने कहा है कि 10 बाइक्स अभी अवेलेबल करा रहे हैं और जैसे जैसे डिमांड आएगा हम लोग इसमें और बाइक्स जोड़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि लोग आगे आएँ और इस फैसिलिटी को यूज़ करें, ताकि हम लोग न सिर्फ आपको सुविधा दे सकें बल्कि आपके सहयोग से पर्यावरण को भी बचा सकें। सर, एक सराहनीय पहल है रेलवे के द्वारा, इसके अलावा और क्या कुछ शुरुआत जो है टाटा नगर रेलवे स्टेशन में किया जा रहा है यात्री सुविधा? झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।